Spotify so that we can become our best version, the most happiest, healthiest, strongest and the confident one in just 2 months. Yes, you heard it right. 2025 आने में सिर्फ 2 months बचे हैं and we have to make sure कि हम इन 2 महीनों को इतना productive बना दें that we enter 2025 with a bang. वो सारी चीजें जो हमने कहीं ना कहीं miss out कर दी इस year में वो अभी हमें नहीं करना है. इस video में हम देखेंगे कि कैसी उन habits को हम अभी से develop कर लें जिससे इन 2 months को भी हम productively use कर पाएं और 2025 तक हम all prepared रहें अपना best version बनने से. तो चलो video को शुरू करते हैं. I'm so excited and guys if you're new, I make content on self care, self growth and lifestyle. So if you're interested, subscribe कर देना. चलो शुरू करते हैं. Okay, so first step is to create a vision board. अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम goals ही नहीं set करेंगे तो उनके direction पे हम work कैसे कर पाएंगे. इसीलिए vision board एक visual representation होता है आपके goals का and ये आपको बहुत ज्यादा motivate करता है. ये पूरे year तक आपको बहुत focus रखता है कि आपको इन इन चीजों पे काम करना है और ये goals achieve कर. So बहुत ज्यादा motivating रहता है, आपको एक direction provide करता है and साथ में आप focus रह पाते हो and आपने goals को manifest भी कर पाते हो. तो अभी आपको गोल सेट करने हैं एंड गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम ऐसे बहुत बड़े बड़े गोल्स रख लेते हैं और फिर हम उन्हें अचीव नहीं कर पाते तो हम डिमोटिवेट होते हैं. इसीलिए आपको ऐसे रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं. गोल्स आप हेल्थ गोल्स रख सकते हो, करियर गोल्स रख सकते हो, रिलेशनशिप गोल्स रख सकते हो या फिर ऐसे हैप्पीनेस वाले गोल्स भी रख सकते हो कि पूरे ईयर में आपको कुछ ऐसी चीजें भी करनी है जिससे आपको खुशी मिले. बेसिकली आपको एक चीज का गोल मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए, आपको सारी चीज का ऐसे मिक्सचर बनाना है कि आपके विजन बोर्ड में कुछ करियर गोल्स, कुछ हेल्थ गोल्स, कुछ हैप्पीनेस गोल्स, कुछ हॉबीज, सबका मिक्सचर होना चाहिए. सो फर्स्ट थिंग कि हमें रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं. सेकेंडली हमें गोल्स का मिक्सचर रखना है, सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं करना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि सिर्फ करियर पे हम ध्यान दें और अपने आप पे ध्यान नहीं दें. सो पूरा मिक्सचर रहना चाहिए. एंड गाइस मैंने लास्ट ईयर विजन बोर्ड क्रिएट किया था तो आप ये वीडियो चेक कर सकते हो ऐसे प्रॉपर डिटेल्स के लिए. सो अभी आप डिजिटल विजन बोर्ड भी बना सकते हो जिसमें आपको पिक्चर्स का कोलाज बनाना है. आप वॉलपेपर अपने फोन का वॉलपेपर भी कर सकते हो उसको या फिर अपने डेस्कटॉप का वॉलपेपर लगा सकते हो जिससे आपको पूरे टाइम वो दिखेगा. लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे हार्ड कॉपी वाला विजन बोर्ड बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो आपके पूरे टाइम आपके रूम में या कहीं पे भी जहां पे भी आप लगा रहे हो पूरे टाइम आपके सामने रहेगा, आप पूरे दिनों से देख पाओगे, मोटिवेट हो पाओगे. एंड तो मुझे ये बेसिकली ज्यादा पसंद. एंड जब आप इसे क्रिएट करोगे ना तो वो प्रोसेस में अलग ही मजा आती है. सो आपको जो प्रेफरेबल लगे डिजिटल या हार्ड कॉपी आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो. ऑल्सो मेक श्योर जो पिक्चर्स आप चूज करो वो काफी एक्यूरेट हो, मतलब उनको देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका गोल क्या है. सो विजन बोर्ड सबसे पहला स्टेप है जिसमें हम अपने गोल्स को सेट करते हैं, उन्हें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिससे थ्रू आउट द ईयर हम उन्हें देख के मोटिवेट हो पाए. तो सबसे पहला वर्क है विजन बोर्ड बनाना. तो हमें रियलिस्टिक रहना है, हमें मिक्सचर रखना है गोल्स का एंड साथ में फोटोज को एक्यूरेट रखना है. दैट्स इट. अभी मेक श्योर इस वीडियो के बाद आप अपने विजन बोर्ड की प्रिपरेशन करने लगो सो दैट आप जल्दी काम कर पाओ. नेक्स्ट टिप इज टू फिक्स योर मॉर्निंग रूटीन. अ प्रोडक्टिव मॉर्निंग लीड्स टू अ प्रोडक्टिव डे. अभी आपने खुद नोटिस किया होगा जिस दिन आप बहुत ज्यादा लेजी हो, आपकी मॉर्निंग ऐसे प्रोडक्टिव नहीं हुई, ज्यादातर आपका दिन भी वैसे ही जाता है बोरिंग और लेजी. लेकिन जिस दिन भी आप जल्दी उठ गए हो, आपने मॉर्निंग ऐसे प्रोडक्टिव रखी है, आपका दिन बहुत ऐसे एक्टिवली प्रोडक्टिव जाता है एंड दिस इज ट्रू, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया. लेकिन पता है मुझे ऐसा लगता है मॉर्निंग में हमें बहुत ज्यादा टास्क नहीं देने चाहिए अपने आप को क्योंकि उससे क्या होता है हम कुछ दिन तो करते हैं उन्हें लेकिन एकदम से फिर धीरे धीरे कुछ भी नहीं होता है. इसीलिए कुछ चीजें हमें डेली फॉलो करनी है और वो मिनिमल चीजें रखनी है जैसे माइंड, बॉडी एंड सोल. इन 3 चीजों पर ध्यान देना है. मेक श्योर यू गिविंग 10 मिनट्स टू ईच. ये करने से ना आप अगर पूरा दिन भी अपनी बॉडी या माइंड या सोल पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, काम में बिजी हो रहे हो, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने सुबह अपने मॉर्निंग में इन चीजों पर ध्यान दिया है. सो बॉडी के लिए आपको 10 मिनट्स आप कुछ भी कर सकते हो, योगा कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो या फिर 10 टाइम सूर्य नमस्कार कर लो, वॉक पे चले जाओ, साइकिलिंग कर लो, जो भी 10 मिनट में आपको लगता है आप कर सकते हो वो आप 10 मिनट्स दे सकते हो मॉर्निंग में, जिससे आपको ऐसे बहुत टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा. आपको वर्क पे जाना है, कॉलेज पे जाना है तो बहुत टाइम नहीं निकालना पड़ेगा एंड आप अपनी बॉडी के लिए कुछ कर भी लोगे. तो 10 मिनट्स आप बॉडी को दो एंड फिर आपको 10 मिनट्स देने अपने माइंड को जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो जिससे आपका माइंड काम रहेगा, आप अच्छे से फोकस कर पाओगे. मेडिटेशन
ऑनेस्टली बहुत ज्यादा हेल्प करता है. आजकल की हसल और डिजिटल लाइफ में मेडिटेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है. अभी नेक्स्ट 10 मिनट्स आपको देना है अपनी सोल को, जिसमें आप प्रेयर कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, जिन भी भगवान जी को मानते हो, उनके लिए वो 10 मिनट्स निकालो, यूनिवर्स के लिए निकालो, जिसमें भी आप बिलीव करते हो. एंड ये सिर्फ हाफ एन आवर निकाल के ना आपकी मॉर्निंग प्रोडक्टिव होगी, आप अच्छा फील करोगे थ्रू आउट द डे, एंड एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने मॉर्निंग में चीजें कर ली है तो अभी मैं और चीजों पर काम और चीजों पर ध्यान दे पाऊँ. तो बेसिकली हमें अभी से अपना मॉर्निंग रूटीन सेट करना है और इन 3 चीजों पे ध्यान देना. नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी. अभी आई थिंक हम सब बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं कि इंटरनल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हेल्थ इज द फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी. अगर हम हेल्दी नहीं खा रहे, अगर हमारी बॉडी अंदर से हेल्दी नहीं है, तो कुछ भी बहुत टाइम तक नहीं टिकेगा और हम बीमार पड़ने लगेंगे अंदर और बाहर दोनों से ही. सो मेक श्योर कि आप हेल्दी खा रहे हो. हम प्रोटीन ले रहे हैं पूरे दिन में, फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, नट्स सीड्स ये अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, और जितना कोशिश कर रहे हैं अवॉइड कर रहे हैं बाहर का खाना और प्रोसेस्ड फूड. अभी कभी कभार सब कुछ चलता है, और जब आप बहुत ज्यादा हेल्दी खाने लगोगे ना, तो कभी कभार वाला खाया हुआ ना अच्छे से बॉडी बैलेंस कर लेती है. तो हेल्दी खाओ, एंड कभी कभी ये सब भी चलता है, लेकिन आपको बहुत ध्यान देना है कि अभी से ही आपको हेल्दी खाना है, जिससे 2025 में आप अपना बेस्ट वर्जन और हेल्दीएस्ट वर्जन बन पाओ. नो नेक्स्ट वन इज 1 आवर फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे. अभी हम सबकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई ना कि हम ज्यादातर बैठे ही रहते हैं. अगर हम कॉलेज में या स्कूल में तो हम पढ़ाई करते हैं तो पूरा टाइम हम बैठे रहते हैं, या हम वर्क प्लेस पे तो ज्यादातर हम बैठे ही रहते हैं पूरा दिन, एंड हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता फिजिकल एक्टिविटी करने का. इसीलिए हमें ध्यान देना है कि पूरे दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 घंटा हम निकाले, जिसमें हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर पाए, जिससे हमारी बॉडी ऐसे मूवमेंट कर पाए एंड हम फिट रहे. अभी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि फिजिकल एक्टिविटी में हम जिम ही जाएं या फिर हम वर्कआउट करें. अगर आप कर सकते हो ग्रेट, अगर नहीं तो आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप योगा कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, वॉक पे चले जाओ, स्पोर्ट्स खेल लो, जो मेरा फेवरेट है, मजा भी आती है और फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, हमारी बॉडी फिट रहती है, एंड आप डांसिंग कर सकते हो. सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. पूरा दिन में हमें थोड़ा सा टाइम निकालना है जिसमें हम अपनी बॉडी को ऐसे फिजिकली मूव कर पाए, नहीं तो पूरा दिन बैठे बैठे बॉडी की हालत खराब हो जाएगी धीरे धीरे. इसलिए पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम निकालना है हमें फिजिकल एक्टिविटी. नेक्स्ट वन इज राइट 1 पेज जर्नल एवरी डे. अभी जर्नलिंग ना बहुत क्लैरिटी देती है आपको, ना ऐसे बहुत फोकस फील कराती है. और ऑनेस्टली कभी कभार आपका दिन कैसा गया आप किसे बताओगे, कौन आजकल कोई भी नहीं सुनने वाला है, एंड डेली तो कौन ही सुनेगा. इसलिए जर्नलिंग इज वेरी हेल्पफुल. सिर्फ 1 पेज लिखना है जिसमें आप लिख सकते हो कि किन किन चीजों के लिए आप आज ग्रेटफुल थे, आपका दिन कैसा गया, आपने क्या क्या चीजें ऐसे लर्निंग रही आपकी पूरे दिन में, कौन सी चीजें आपने बहुत अच्छी की जो आप ऐसे प्राउड फील कर रहे हो, जो भी फील कर रहे हो पूरा दिन जैसा रहा, सिर्फ 1 पेज पे आपको लिखना है. एंड वो लिख के ना आपको ऐसे अभी आपकी सारी टेंशन चली गई, बहुत क्लैरिटी मिल गई. सो जर्नलिंग इज वेरी गुड फॉर योर माइंड. नेक्स्ट वन इज स्टार्ट बिल्डिंग माइक्रो हैबिट्स. अभी हैबिट्स ना डेवलप करने में टाइम लेती है, इसीलिए हमें छोटी छोटी हैबिट्स से शुरू करना है. एंड उन्हें हम कैसे कर सकते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आपको रात में ब्रश करके सोना है, एंड आप कभी कभी करते हो, कभी कभी भूल जाते हो. सो आपको उस माइक्रो हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ देना है. सपोज आप डेली स्किन केयर करते हो तो आपको उसके साथ ब्रशिंग करनी है, आपको ये रूल बना लेना है सपोज. या फिर आप स्किन केयर नहीं करते हो, ब्रश करते हो, तो स्किन केयर को ब्रश के साथ आपको ऐड कर देना है कि अभी अगर मुझे स्किन केयर करना है तो मुझे ब्रश करना पड़ेगा, या ब्रश करना है तो मुझे स्किन केयर करना पड़ेगा. सो ये एक सिली वे है लेकिन बहुत काम आता है. सपोज आपको मॉर्निंग में ऑयल पुलिंग करनी है. ये मैंने कुछ दिनों से जब मैंने ऑयल पुलिंग शुरू करी थी तो मैं कभी कभी करती थी, कभी कभी भूल जाती थी, तो मैंने इसे बिल्कुल ऐसे रूल बना लिया कि ब्रश करने के बाद मुझे ऑयल पुलिंग करनी ही करनी है. सो बेसिकली हमें एक न्यू हैबिट को एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ ऐड कर देना है, जिससे हम वो करेंगे तो हमें उसके बारे में याद भी रहेगा और हम कर भी पाएंगे. सो मेक श्योर जो भी हैबिट्स ना हम डेवलप करना चाहते हैं ना, उन्हें धीरे धीरे और टाइनी पोर्शंस में हम डेवलप करेंगे तो वो इजिली हो भी जाएंगी, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी एक्चुअल में वो हैबिट. नो नेक्स्ट वन इज रीड 5 पेज एवरी डे. अभी वी ऑल नो कि बुक्स को रीड करने से हमारी नॉलेज, वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब बहुत अच्छी हो जाती है. एंड अगर आप बुक्स पढ़ते हो देन वेरी गुड, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाते, आपको बोरिंग लगती है, तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्टली आप थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बुक लो, क्योंकि अगर हम पहले से थोड़ी हैवी और वैसी नॉलेजेबल वाली बुक ले लेंगे ना तो आप बोर हो जाओगे. सो पहले थोड़ी सी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स या कुछ तो ऐसी नॉवेल्स वगैरह ले लो जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, एंड उनको पढ़ना शुरू करो. डेली रूल बना लो कि 5 पेजेस पढ़ने हैं मुझे, एंड फिर आपको खुद ही इंटरेस्ट आएगा, एंड देन आप स्विच हो सकते हो ऐसे अच्छी नॉलेजेबल बुक में. एंड ऑनेस्टली बुक रीड करने की हैबिट बहुत ज्यादा अच्छी होती है. एंड आप इसे ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, आप किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ इसे ऐड कर लो. सपोज आप रात में फोन चलाते हो तो आपने आपको ऐसे रूल दे दो कि फोन चलाने से पहले मुझे 5 पेजेस पढ़ने, तभी मुझे फोन चलाने को मिलेगा.
तो ये एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ आपने इसको ऐड कर दिया। लिमिट योर सोशल मीडिया। अभी आप ये नोटिस करो कि हमें जब एक घंटे पढ़ाई करनी होती है ना, तो वो एक घंटा हमें लगता है बहुत ज्यादा बड़ा है, और एक घंटे फोन चलाने को कोई बोल देता है ना, तो ऐसा लगता है हमने सिर्फ 10 मिनट ही तो यूज किया है, लेकिन वो स्क्रोल करते करते हम 1 घंटे 2 घंटे कैसे वेस्ट कर देते हैं हमें नहीं पता चलता। एंड ऑनेस्टली हमने कभी नोटिस नहीं किया कि स्क्रोलिंग से और सोशल मीडिया से हमें क्या गेन हुआ है, कुछ भी उतना बेनिफिट नहीं होता है, और हम कितना टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। उस टाइम को हम कितनी अच्छी चीजों में लगा सकते हैं, कुछ अच्छा सीख सकते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पर नहीं, हम तो फोन उठाते हैं और 2-3 घंटे निकल जाते हैं। ये हमें नहीं करना है। इस 2025 आने से पहले हमें ये हैबिट डेवलप करनी है। एंड हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो जितने भी हम ऐप्स यूज करते हैं ना, इन सब की नोटिफिकेशन को हम ऑफ कर दें, जिससे पूरा दिन हमें वो सुनाई नहीं देंगे और हम अपना फोन ही यूज करेंगे। सेकेंडली, इन सब पे ना लिमिट होती है, टाइम लिमिट हम वो सेट कर सकते हैं। एंड इन सबसे ऊपर ना सेल्फ कंट्रोल होता है। अगर आपको पता है कि आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं देना सोशल मीडिया को, तो आप फोन नहीं छूओगे। तो दीज वर फ्यू हैबिट्स जो हमें अभी से डेवलप करनी है, क्योंकि 2025 आने पे ना हम रेजोल्यूशंस बनाने लगते हैं और वो हसल में पड़ जाते हैं कि यार सुबह नहीं उठा जा रहा है, पर उठना है। लेकिन ये सब चीजें अगर हम पहले कर लेंगे, पहले वो हैबिट्स डेवलप कर लेंगे ना, तो 2025 हमारा बहुत स्मूथली और सक्सेसफुली जाएगा। तो जो चीजें हमने इस ईयर मिस आउट कर दी हैं, वो सारी चीजें हमें 2025 में करनी है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि 2025 और अच्छा और प्रोडक्टिव जाए, इसकी शुरुआत हमें अभी से करनी हो, तो कमेंट्स में बताना आर यू रेडी फॉर दिस और नॉट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड या कीप स्माइलिंग, कीप लविंग। ओके, बाय।